नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीसरे प्रखंड के गंभीरिया टांड में शनिवार दोपहर को पाटलावती सेवा सदन का उद्घाटन मुख्य रूप से सीओ असीम वाड़ा बीडीओ सुनील प्रजापति ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान बीडीओ सुनील प्रजापति ने कहा कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देने के मकसद से शुरुआत की गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह स्थानीय लोगों के लिए वरदान की तरह काम करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में ऐसे अस्पताल की बहुत जरूरत है जहां लोगों की उचित दर पर बेहतर इलाज हो सके। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि यहां आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है तथा कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा और इस हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रबंधन के अनुसार प्रमोद यादव के द्वारा बताया गया कि अस्पताल में कुल 12 बेड हैं, जिसमें 6 आईसीयू तथा 6 जनरल बेड, ऑक्सीमीटर, मेडिसिन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध है। पटना के का उद्घाटन के लिए जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब, हॉस्पिटल प्रभारी आए, हम तरह से उद्घाटन किया गया। हमारे पटनावती में आयुष्मान भारत के द्वारा निःशुल्क फ्री ट्रीटमेंट होती है, जो कि हमारी हॉस्पिटल की खासियत है कि हमारे पास पास ऑक्सीमीटर, मेरे पास ऑटो एनालाइजर जैसे कि सीबीसी क्रिटिकल केसेस का जो जाँच है यूटी जी तरीके से करते हैं, मेरे पास आईसीयू बेड है और एक्सरे का सुविधा मेरे पास है और ओटी मेरा लेटेस्ट ओटी है। बस जनता से अनुरोध है कि अच्छे से अच्छा व्यवस्था दिया गया है, निःशुल्क आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, मौका का फायदा लें। वी टाइम न्यूज़ के लिए तीसरी गिरिडीह से आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।